वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज, आज जो हम पतंग बनाने जा रहे हैं वो कम्बिनेशन है दो अलग अलग कलर्स का। एक यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर है, एक मेरे पास ब्लू कलर है। तो इन दोनों कलर कम्बिनेशन के साथ पतंग बनाने जा रहे हैं, और जो पतंग बनेगी वाकई में बहुत ही सुंदर पतंग बनेगी, क्योंकि इन दोनों का कम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको दो पन्नियाँ ले लेनी है, अलग अलग कलर की जरूरत नहीं है, यही कलर हो कोई भी कलर की आप पन्नी ले सकते हो। उसके बाद आपको एक सीजर की जरूरत पड़ेगी कटिंग करने के लिए, आपको एक टेप की जरूरत पड़ेगी को चिपकाने के लिए, और साथ के साथ मेन चीज आपको पड़ेगी तिल्लों की जोड़। अब तिल्ले चाहो तो आप झाड़ू के ले सकते हो, चाहो तो पुरानी पतंग के तिल्ले ले सकते हो, तो जो भी आपका दिल करे वो तिल्ले आप यहां पर ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको कटिंग देखने किस तरह से करनी है, और बड़े ध्यान से कटिंग करनी है। तो कोई भी एक पन्नी ले लेनी है आपको पहले कटिंग के लिए, फिर हम दूसरी पन्नी कटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने नीले रंग की पन्नी ले लिया कटिंग के लिए, तो मैं क्या करूंगा यहां से इसको फोल्ड करता हूं ऐसे। फिर से मैंने इसको फोल्ड किया यहां से, ठीक है। अब ये जो ऊपर जहां से हम पकड़ते हैं इधर से हम इसको कट डाउन कर देंगे। देखिए यहां से करना है आपको कटिंग, ये देखिए कटिंग के बाद ये चीज अलग हो जाएगी यहां पर अलग। सेम वे में जो नीचे है यहां से अब ये बंद है, इसको भी हम यहां से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहां पर ये कटिंग होके ये चीजें अलग साइड में कर दी आपने, और यहां पर जो कटिंग होगी वो किस इस तरह से दिखाई देगी आपकी पन्नी, कुछ ऐसे आएगी। और बीच में से अभी ये होल है, खाली है, मतलब ये देखिए कैमरे में दिखाता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये खाली है। आपको क्या करना है, फिर ऐसे रखनी है इसको, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सही कर लेने हैं, यहाँ से हो गई एकदम सीधी। अब यहाँ से एक तरफ से इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने एक तरफ से यहाँ पर सीजर को रखा और यहाँ से इसकी कटिंग कर दी। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर निकल के सामने आए गए, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ साइड में। अब लेता हूँ मैं दूसरी पन्नी, दूसरी पन्नी हमारी येलो कलर की, ये वाली, इसकी भी सेम वही कटिंग करनी है, पहले फोल्ड करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ऊपर के पोर्शन को कट करूंगा, नीचे के पोर्शन को कट करूंगा। तो मैंने ऊपर के पोर्शन को कट किया, ये तुम्हारा ऊपर के पोर्शन दोनों, ठीक है। सेम वे में नीचे के पोर्शन को कट करना है, तो नीचे के पोर्शन को कट किया, तो ये था नीचे का पोर्शन। इनको साइड करते हैं। अब बीच में से कुछ इस तरह की पन्नी हमारी, मतलब कटिंग के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये चीज़, ठीक है। ये भी बीच में से अभी खाली है, होलो है बीच में से, ठीक है। ये अब मैं क्या करूँगा, फिर से जैसे मैंने ब्लू कलर की पन्नी के साथ किए थे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया ऐसे, और फिर एक तरफ से इसकी भी मैं कटिंग कर देता हूँ। तो मैंने एक तरफ से इसके यहाँ पर सीजर को रखा और इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। अभी तक था यह स्टेप वन। अब मेरे पास क्या हुआ, एक कटिंग ये आ गई मेरे पास येलो कलर की, इसको मैं थोड़ी दूर करता हूँ, और एक कटिंग मेरे पास यहाँ पर ये आ गई ब्लू कलर की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो येलो कलर की कटिंग है इसको और जो ब्लू कलर की कटिंग है इसको यहाँ पर रख के आपस में इस पे यहाँ पर टेप लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है मैं थोड़ा साइड करता हूँ, यहाँ से मैं टेप लगानी स्टार्ट करूँगा इस पे। और टेप लगने के बाद मेरे पास दो कलर कम्बिनेशन आ गए, एक आगे मेरे पास येलो, एक आगे मेरे पास ब्लू, दोनों को, और फिर उन दोनों से मैं पतंग बना लूंगा। अब यहाँ पर ना दो तीन तरीकों से आप डिजाइन दे सकते हो। जैसे पहला डिजाइन तो ये हो गया ऊपर पीला नीचे रंग की ब्लू कलर, दूसरा डिजाइन ये हो गया भाई इस तरह से टेढ़े में, जैसे आपने अक्सर देखा होगा भाई इस तरह से टेढ़े में, एक तरफ पीला रंग का एक तरफ ब्लू कलर का, इस तरह से आपने देखे भी होगी पतंगों के बीच में। तो आप किसी भी तरह से डिजाइन यहाँ पर दे सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ, फिर बाद में डिजाइन के आपको बताता हूँ भाई किस तरह से। तो मैंने यहाँ पर इसको रखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको ये रखा मैंने, यहाँ से टेप उठाई अपनी, और बड़े ही ध्यान से आपको इसको जोड़ना है भाई, अप डाउन ऊपर नीचे ना हो जाए, एकदम स्ट्रेट में जुड़ने चाहिए, ठीक है। टेप उठाई, टेप को खोला, अभी देखो हवा चल रही है थोड़ी सी, अभी फिर से सही की हमने, हो गया गड़बड़, थोड़े दूर चला गया, रुको इसको पहले मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ से हमने इसको रखा ऐसे, मैं इस पर थोड़े सीजर रख देता हूँ ताकि ये फिर से न उड़े। तो अब मैं इस पर लगा देता हूँ यहाँ से यहाँ टेप। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर बड़ी आसानी से इसके ऊपर टेप चिपका डाली, ठीक है। अब ये जो बाकी का फालतू पोर्शन है टेप का, इसको मैं कट डाउन कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं जहाँ तक चाहिए थी वहीं तक की ही मुझे जरूरत है। ये मैंने यहाँ से कट डाउन कर दिया टेप को, और इसको कर दिया मैंने यहाँ से बैक। तो देखिए कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा हमें, और बैक साइड दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा दोनों कॉम्बिनेशन।
ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से पतंग की शेप लेनी है। ये मैंने यहां से पतंग की शेप लेनी स्टार्ट करी और कुछ इस तरह की शेप मेरे पास अब बन के सामने आ जाएगी। तो देखिए ये आ गई। अब मैं इसमें से कटिंग कर लेता हूं पतंग की शेप को। तो मैंने क्या किया, यहां से रखा अपने सीजर को बिल्कुल स्ट्रेट में। सबसे पहले तो मैं इधर का पोर्शन कट कर देता हूँ, ये साइड में, ये हो गया साइड का पोर्शन कट। सेम वे में मैं इधर का भी पोर्शन काट देता हूँ। तो बड़े ध्यान से कटिंग करनी है आपको, वरना तो शेप बिगड़ गया आपकी, फिर पतंग की शेप नहीं आएगी, फिर बोलोगे अरे सर हमारी तो आई नहीं। तो देखिए देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन में अब हमारे पास पतंग की शेप आ चुकी है। देखिए क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन आया दोनों पन्नियों का। अब कुछ नहीं करना आपको, अब चाहो तो आप इधर से, यहाँ से आप लगाने हैं, इधर से चाहो तो आप ऐसे करके लगा सकते हो, इधर ऐसे सीधा तिल्ला गोलाई का तिल्ला, चाहो आप इधर से कर सकते हो स्ट्रेट का तिल्ला गोलाई का तिल्ला, जहाँ से भी आपका दिल करे वहाँ से कर सकते हो। उससे पहले एक बार मैं इसकी प्रॉपर शेप दे देता हूँ, क्योंकि अभी क्या हुआ मैंने रफली कटिंग की थी तो एकदम प्रॉपर से कटिंग नहीं करी थी। तो पहले मैं इसके ना अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए यहाँ से थोड़ी सी जा रही है ना साइड में, तो इसकी एकदम प्रॉपर कटिंग कर देता हूँ मैं। इसको मैंने फोल्ड कर लिया यहाँ से यहाँ, अब मैं इसके एकदम प्रॉपर कटिंग दे देता हूँ। एक और फोल्ड कर लेते हैं इसको, ताकि एक ही बारी में मैं कटिंग दे पाऊँ। तो यहाँ से यहाँ मैंने इसको फोल्ड किया। अब बड़े ही आसानी से आपको एक ही बारी में इसकी कटिंग कर देनी है, बड़े ध्यान से लो। तो हमारे जो कटिंग होने के बाद फाइनली आया वो आप आ गए हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट शेप यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट तिल्ला यहाँ से और गोलाई का तिल्ला यहाँ से। तो स्ट्रेट तिल्ले के लिए मेरे पास यहाँ पर तिल्ले मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। अब मैंने बताया भी था भाई तिल्ले आप चाहो तो झाड़ू के ले सकते हो, पुरानी पतंग के ले सकते हो, किसी के भी तिल्ले आप ले सकते हो। तो ये मैंने स्ट्रेट का तिल्ला यहाँ पर और गोलाई का तिल्ला यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट के तिल्ले को लगा देता हूँ अपने। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा, टेप ली, और बड़े यार आसानी से बड़े आराम से आपको ये टेप लगा देनी है इसके ऊपर। बाकी जो टेप पीछे है उसको पीछे की तरफ ही बेंड कर दूंगा मैं, यहां से यहां और यहां से यहां पर। तो ये हो चुके हमारा। अब नीचे का पोर्शन है, नीचे पे भी टेप लगा दूंगा। तो यहाँ से इसको स्ट्रेट किया बिल्कुल, यहाँ से ऐसे टेप ली मैंने, टेप को लगाया और इस टेप को नीचे की तरफ कर दिया मैंने बेंड डाउन। तो देखिए स्ट्रेट तिल्ला हमारा लग चुका है और कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। कॉम्बिनेशन भी वाकई में यार काफी प्यारा कॉम्बिनेशन आया है। अब हमें गोलाई का तिल्ला लगाना है, तो गोलाई का तिल्ला लेंगे। अब मैंने पहले भी बताया भाई गोलाई का तिल्ला ना बिल्कुल इस कोने से स्टार्ट मत करो आप, भाई ऐसे होता है ना यहाँ कोने पर रखा और बिल्कुल कोने तक घुमा दिया, थोड़ा सा कोने से हट के ना बीच से थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करो, जो कोने का पोर्शन है इसको थोड़ा सा छोड़ दो। जैसे ये चीज़ है ना इसको थोड़ा सा यहाँ से कट डाउन कर लो इस चीज़। मैंने देखे कट भी लगा दिया, मैं थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ आपको अगर दिख रहा होगा तो, वैसे ये फोकस नहीं कर पा रहा अभी। तो इसको मैंने थोड़ा सा कट डाउन कर लिया, देखो ये पोर्शन इतना सा ये तोड़ लिया मैंने, ये देखो ये पोर्शन इसमें से तोड़ लिया मैंने। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो साइड का पोर्शन था ना भारी पोर्शन होता है, फिर ये पतंग को एक ही तरफ घुमाता चला जाता है। तो इसको रखा साइड में। अब यहाँ पर हम रखेंगे अपने टेप को पहले लगाते हैं और फिर हम इसको गोलाई की शेप देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं टेप को लगा देता हूँ, टेप आपको नीचे की तरफ लगानी है यहाँ पर। तो मैं टेप निकाल लेता हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ पर रखा टेप को नीचे की तरफ बेंड किया और बाकी की जो टेप है उसको कर दूंगा मैं बैक की तरफ बेंड। तो यहाँ पर ये लग गया हमारा। अब जो इधर का गोलाई का है वो यहाँ से यहाँ पर तक का है, मतलब पूरे का पूरा एग्जैक्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल प्योर एग्जैक्ट और क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन के तैयार हुआ हमारा। अब मैंने जैसे कि पहले बताया था भाई हम पूरा का अगर ये करेंगे तो साइड में घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसको भी थोड़ा सा कट डाउन कर लेता हूँ यहाँ से, हल्का सा ज़्यादा नहीं। तो हल्का सा कट डाउन करने के बाद क्या होगा, वो हमारा घूमने का नहीं। तो ये मैंने इसको कट डाउन किया हल्का सा,
अब मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ पहले। इसको किया प्रेस यहाँ से यहाँ पर, और फिर पहले नीचे की तरफ, और फिर इसको किया हमने अंदर की तरफ बंद। तो गाइस देखिए, फाइनली हमारी जो पतंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। बताओ आप कैसी लग रही है पतंग हमारी। अब इसमें जो कमी है, अब ये देखिए बीच का तिल्ला थोड़ा साइड में हो गया, हम यहाँ पर भी टेबल लगा देते हैं एक बार बीच में ना, ताकि ये इधर उधर ना जाए हमारा तिल्ला भी। तो ये हमने यहाँ पर किया स्ट्रेट में ऐसे। अब कमेंट करके बताओ कितनी प्यारी पतंग बनी है, कैसी लग रही है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ इसकी पूंछ लगानी है झल्लर वाली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने पनिया इसकी कटिंग की थी, ये मैंने कटिंग की थी ना इसकी यहाँ पर, तो मैं इसमें से दो पीस निकाल लेता हूँ, एक येलो का और एक ब्लू का। तो एक मैंने ये येलो की स्ट्रिप निकाली है, सेम में एक मैं ब्लू की भी निकाल लेता हूँ इतनी ही साइज की। तो मैंने ब्लू की भी निकाल ली इतनी साइज की। अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को मैं फोल्ड कर देता हूं यहां से, एक के ऊपर एक रखी और मैंने इसको कर दिया फोल्ड यहां से यहां। फोल्ड करने के बाद यहां से मैं थोड़ी सी इसकी कटिंग कर देता हूं। ये देखिए, पूरा नहीं कट करना, फिर तो कहां बनेगी आपके झालरे। ये लगे यहां से कट, यहां से कट, ठीक है। अब इसको जब ऐसे आप करोगे तो देखिए, जो उनसे नहीं है उनको हाथों से कर दो, तो इस तरह की कुछ कटिंग सामने आएगी आपके पास। ये देखिए, इस तरह की कुछ कटिंग सामने आएंगी आपके पास ऐसे अलग अलग। फिर आपको उठाना है, इसके ऊपर रखना है और यहाँ से यहाँ पर कर देना है इसको, और यहाँ पर अब फाइनली इसको लगा देते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी यहाँ पर लग रही है हमारी पतंग भी, और साथ में जो हमने झालर बनाई है, मतलब झालर कह लो पूछ कह लो, ये भी कितनी प्यारी यहाँ पर लग रही है। अब देखो फाइनल पतंग हमारी कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पर। तो अब इसका करेंगे फ्लाइंग टेस्ट। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कन्ने डालने तो आपको आते हैं, जिन्होंने नहीं देखे कन्ने डालने मैंने वीडियो बनाया भी है ऑलरेडी, आप कन्ने डालने वहाँ से सीख सकते हो। इसका करते हैं अब फ्लाइंग टेस्ट, तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।